हैं पानी पीने? ये हम नहीं कह सकते हैं, दिन भर चलते हैं। ये पानी पीने से सबसे मेन है जो गैस्ट्रिक का नहीं होगा आपको। आप धीरे धीरे देखेंगे तीन नहीं चार पाँच छह बीमारी है, लेकिन पेट के लिए बहुत फायदाकारक है। कई लोग ठंडा पानी है और पानी पीने के लिए जो बहुत दूर दूर से धमदाहा का जितना भी बाजार का दुकान है सभी जो है यहीं पे पानी लेने के लिए आते हैं। और यहाँ पे रोक कर पानी पी रही है और भीड़ भी बढ़ती जा रही है। एक ऐसा पानी जिसे पीने से कहा जाता है कि आप निरोग हो जाते हैं और सब दुख जो हैं माता हर लेती है, ऐसा ही पानी हमें देखने को मिल रहा है धमदाहा के चंडी स्थान पर लोहिया चौक के समीप। और आप और हम यही जानने के लिए आ रहे हैं, आप और हम यही जानने के लिए आए हैं कि इसमें कितनी सत्यता है। तो आप देखिए इसी स्थान पर हम खड़े हैं, कई लोग यहाँ पर पानी को भर रहे हैं, बोतलों में भर रहे हैं, डब्बों में भर रहे हैं और पी भी रहे हैं। ऐसे तो पानी काफ़ी शुद्ध है, लोग पानी पी रहे हैं और अब इस गर्मी के मौसम में अपनी प्यास को बुझा रहे हैं। लेकिन कई ऐसी मान्यताएँ हैं कि इस पानी को पीने से जो रोगी हैं जिनमें बीमारी होती है उनकी बीमारी दूर लेती है, हर लेती है माँ। तो कितनी सत्यता हम जानते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम पूर्णिया से आ रहे हैं। क्या इसके विषय में जानकारी आपको? इसके विषय में जानकारी यही है कि यहाँ का जो है पानी जो है बहुत अच्छा माना जाता है जी। और पानी पीने के लिए जो बहुत दूर दूर से धमदाहा का जितना भी बाजार का दुकान है सभी जो है यहीं पे पानी लेने के लिए आते हैं। पानी कैसा लगता है घर के? पानी एकदम बहुत मिठास पानी लगता है, आप भी पी के देख सकते हैं सर। अच्छा, वो जो आजकल जो 20 रुपए में जो आता है उससे घर में? उससे अच्छा है, उससे अच्छा, उससे अच्छा। उसमें तो केमिकल मिला हुआ रहता है, ये जो है निरोध है सर। चलिए यहाँ और भी लोगों से पूछते हैं कैसा पानी है। यहाँ का पानी जो बिस्लरी खरीदिएगा उससे भी बहुत बेटर है। ये पानी पीने से सबसे मेन है जो गैस्ट्रिक का नहीं होगा आपको। पानी बहुत अच्छा है, मैया की कृपा है। 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर का दूरी का भी आदमी जो है सब पानी यहाँ पर भरते हैं। क्या क्या मान्यता है आपको, क्या जानकारी है? यहाँ का पानी लेकर के जाते हैं पी करके, तो जो भी मान के चले गैस्ट्रिक का शिकायत था कुछ भी वो सब दूरी नहीं है। दो रोटी बेसी खाते हैं जी। हाँ, काम भी अधिक होता है। आप क्या ऐसे काम करते हैं? किसान हैं यहाँ का, पानी यही पीते हैं। हाँ, पानी है पर घर भी यहाँ से पानी ले जाते हैं। अच्छा लगता है। हाँ, आप बताएं कुछ पानी के विषय में जानकारी। पानी तो यहाँ बहुत बढ़िया लगता है, हम लोग बहुत कई साल से पानी लगभग 10 साल से पानी 200 साल से ले जा रहे हैं यहाँ। देखिए कई लोग अभी भी पानी भर रहे हैं। देखिए अभी भी जो दो ट्यूबवेल तीन ट्यूबवेल है चापाकल है उसमें लोग किस तरह अपने बोतलों में भर रहे हैं, पानी को पी रहे हैं और काफ़ी भीड़ भी लगी हुई है पानी पीने के लिए। यहाँ जो राहगीर होते हैं खासकर बस, आप देखिए एक बस यहाँ पर लगी हुई है जो धमदाहा की ओर जा रही है, वहाँ से भी कई लोग उतर कर यहाँ पर आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं और फिर पानी को पीते हैं। और कई लोगों से हम जानकारी ले रहे हैं कि कैसा लग रहा है, कैसा पानी यहाँ का? पानी बहुत अच्छा है, बहुत स्वस्थ पानी है। जब आते हैं इधर ही पीते हैं जी? यहीं पानी पीते हैं जी। आप बताएं। अच्छा है पानी। कितने दिनों से पानी पी रहे हैं? हम तो रुपोली मेरा घर है, पूर्णिया गए थे, इधर देखे सब लोग पी रहा था इसीलिए हम भी। अच्छा, कुछ कहावतें यहाँ पर जो प्रचलित है कि कई बीमारियाँ दूर होती हैं मिठास पानी है, गैस्ट्रिक नहीं होते गैस? ना, हम तो पहली बार पी रहे हैं। अब मतलब भीड़ को देख के पी रहे हैं ये सज्जन, भीड़ को देख के पी रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पानी पी रहे हैं, क्या बातें हैं। तो लोग पी रहे हैं, तो एक भाई साहब से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि माँ चंडी का मंदिर है, सबसे पहले आप दर्शन भी कर लें। मैं अपने कैमरामैन सुमित से कहूँगा कि माँ के आपको दर्शन कराएं। यहाँ पे सामने में माँ दुर्गा है, विराजमान है, सबकी माता है, आदि शक्ति है और इसी शक्ति से ये जो निर्मल जल है उसमें शक्ति मिलती है और इतनी मिठास पानी में है। जब भी आप इस मार्ग से जाएं जरूर पानी को पिए और जो है प्यास जो आपको लगी है वो बुझती है और माँ के नाम से पिए तो जो भी बीमारियाँ हैं वो कष्ट हैं आपको वो दूर हो जाती है। तो देखिए कई लोग किस तरह का पी रहे हैं, हम आपको प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं क्या सच्चाई है और सही में बात सामने में आ रही है और लोग पानी पी रहे हैं। जो है ना चार रोज पांच रोज पानी रख देने के बाद एकदम शीतल के ठंडा की तरह पानी रहता है। फ्रिज में कोई आवश्यकता नहीं? कोई आवश्यकता ना है। तीन रोज के बाद भी आज पानी पिया है, पलंग के नीचे में रख दिए तो वैसे वैसे पानी एकदम ताज़ा पानी रहता है।
तो आप देखिए कि ये तीन तीन बस, और पीछे भी दिखाएंगे कैमरामैन सुमित से कहेंगे कि कैमरा के लेंस को आगे लगाए। देखिए दो बस आगे लगी हुई है और आप धीरे धीरे देखेंगे तीन नहीं चार पाँच छः बस है और छोटी छोटी गाड़ियां हैं जो पूर्णिया से माल को लेकर आगे की ओर बढ़ रही हैं, गुलाबबाग या किसी कारणवश कहीं से भी आ रही हों, और यहाँ पर रोक कर पानी पी रही है और भीड़ भी बढ़ती जा रही है। और लोगों से भी हम बात करें, कैसा कैसा लगता है पानी पीना? पानी पीने में अच्छा लगता है यहाँ का। जब जब आते हैं यहाँ पानी पीते हैं? हाँ, सब दिन पीते हैं, जब ही रूट में आते हैं तब रोक के पीते हैं। शीतल जैसे पानी लगता है पीने में, मीठापन भी है। धमधा सता आदमी पानी भरने के लिए। कहाँ से आए? भवानीपुर। भवानीपुर से पानी पी रहे हैं? इस मार्ग में आते हैं पाँच छह साल से। कितना बोतल भरे हैं? तीन बोतल। ये कहाँ रास्ता में जाएंगे पीते जाएंगे? हाँ, रास्ता में जाएंगे पीते जाएंगे। और ये जो पानी बाजार में दुकानों में मिलते हैं उससे कैसा अंतर है? उससे बहुत अंतर है, काफी अंतर है। हाँ, बहुत अच्छा पानी, मीठा पानी। देखिए अभी भी भीड़ किस तरह बढ़ गई है, अपने कैमरामैन सुमित से कहेंगे पीछे दिखाएं। देखिए किस तरह लोग उतर रहे हैं गाड़ियों से और धीरे धीरे भीड़ जो है बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे नाम प्रचलित हो रहा है इस मंदिर का और कि यहाँ पर माँ विराजमान है और ये पानी काफ़ी शुद्ध है, निरोग करने वाला पानी है। तो लोग धीरे धीरे, काफिला बढ़ता जा रहा है और भीड़ भी बढ़ता जा रहा है, लोग पानी पीने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उतर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। और हम सीधे आपको कोशी आलोक न्यूज़ के माध्यम से हम दिखा रहे हैं और धीरे धीरे देखिए कितनी भीड़ बढ़ गई है जी। बताएं कहाँ से आ रहे हैं आप? हम रुपौली प्रखंड पंचायत गाँव। ये पानी के बारे में बताएं क्या प्रचलन है यहाँ? बहुत दिन से ही पानी जो है ना, मतलब लोग शक्तिशाली है, लोग लेके जाता है घर भी जी। खास करके कांप पंचायत में जो पप्पू यादव काम किए हैं बहुत सराहनीय काम है। हमारे यहाँ ऐसे चार पांच व्यक्ति थे जिनका इलाज उन्होंने 20 से 22 लाख रुपया अपना लगा लगा के उन्होंने जिंदा करके रोड पर टहलाने का काम किया। देखिए अभी हम पानी की बात कर रहे हैं, हम अभी शक्ति पीठ में है, ये धमधा मार्ग में है लोहिया चौक पे, और पानी की बात करें, पानी के साथ साथ आप पप्पू यादव के बारे में बता रहे, तो क्या इस बार पप्पू यादव को पास करेंगे? पप्पू यादव 100% पास होंगे। क्यों क्यों करेंगे? इसलिए वो गरीबों का मसीहा है जी, खास करके इलाज कोरोना काल जो भी हुआ उन्होंने जात का राजनीतिक नहीं करता, सबको लेके चलता है, यही एक बड़का चीज है। उनको जो है ना चमचा का जरूरी नहीं है, उन सिर्फ पप्पू यादव का नंबर होना चाहिए किसी व्यक्ति के पास, अगर वह एक कॉल बात कर ले तो उनका समस्या वहीं हल कर देता। अभी जो कुशवा जी हैं तो वो भी तो कर सकते हैं जी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने की बात कभी? जी मैंने बहुत बार बात किया, तो उनका जो है खास करके बिचौलिया जो लोग हैं जब तक उनके पास नहीं जाएंगे तब तक जो है वो बात सांसद महोदय से नहीं हो सकता। तो बिचौलिया बीच में है इसी के लिए काम नहीं हो रहा है? बहुत ज्यादा काम, खास करके पंचायत में, और ऐसा ढेर पंचायत होगा पूरे बिहार की बात करते हैं, लेकिन कांप में जो है खास करके उन्होंने जो योगदान किया है वह सराहनीय है। किसी गरीब को मर जाता उन्होंने 20-22 लाख रुपया लगा के एम्स में रोड पर चलाने का काम किया है। तो ये बहुत सारी बात बता रहे थे, और अभी हम जो मुद्दा को लेकर इस वक्त खड़े हैं ये पानी का मुद्दा है, शीतल जल का मुद्दा है, लेकिन ये पार्टी के समर्थक हैं पप्पू यादव जी के। पप्पू को इस बार पप्पू यादव थे नहीं, मैं समर्थक मैं था नहीं, मैं इस बार उनका समर्थक। अच्छा, इस बार वो बने हैं, इससे पहले आप किसके समर्थक थे? इससे पहले हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड का एक बार जो नारा लगा था उसमें जो है संतोष कुशवाहा को जिताने का काम किए थे जी। उस बार जो हल्ला हुआ था कि पप्पू सिंह पहले हाथ अगर मिलाते हैं तो हाथ धोते हैं, यही सब कारण से लेके हम लोग जो है कि संतोष कुशवाहा को जिताने का काम किए थे। तो इस बार आप परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन करेंगे और पप्पू को पास करेंगे? फिलहाल ये पप्पू को पास करने में लगे हैं इतने लोग और भी लोग, लेकिन जो पानी का मुद्दा था कि शीतल जल यहाँ पर मिलता है और जो इस मार्ग से जाते हैं पानी पी के अपने को शुद्ध करते हैं, जो भी बीमारियां होती हैं उनको दूर करते हैं, ये दिखाने की कोशिश। मैं क्या, ये जो जितने जनता है मेरे पीछे इनसे भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं पप्पू यादव कैसा सांसद? नहीं नहीं, वो तो हमने कराने की कोशिश की, अभी हम हर जगह बार का, हम अभी हर जगह जाके अभी उन्होंने भर गला पानी में, सुन ले जी जी, अभी
हमने धमदाहा में जी, बनारा कोठी में, बनमनखी में, हर जगह गए हैं और सभी ने अधिकांश पप्पू को पास ही कहा है। तो हम समझ रहे हैं कि जितनी भी जनता है वहां से आ रही है, दिल की बात कहा है जो है ना। लेकिन अभी शीतल पीछे जो जनता है उनसे भी आप सवाल जवाब करने का काम करें। वो तो करेंगे ही। आप लोग एक ही शब्द में बोले, किनको वोट देना चाहेंगे? पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। हम तमाम लोगों से बात कर नहीं सकते, काफी लोग हैं जो समर्थक है, लेकिन अभी जो मुद्दा शीतल जल का है, शीतल जल काफी प्रसिद्ध है, यहाँ के पुरोहित हैं, मौजूद है, उनसे हम बात कर ले कि ये बताएं, ये जो मान्यता है कि यहाँ के पीने से कई तरह की बीमारियाँ दूर होती है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो नहीं बता सकते कई तरह का बीमारी है, लेकिन पेट के लिए ही बहुत फायदाकारक है जी। कई लोग ठंडा पानी है, हाँ सही बात है, हाँ सही बात है जी। अब भगवती का कृपा। कितने सालों से यहाँ पर चल रहा है ये? करीब 10-12 साल हो गया। तब एक दो, एक पहले एक कल था, अब दो हुआ, तीन हुआ, सब में उसी तरह मिठा सब में है। और कितने लोग प्रतिदिन आते हैं पानी पीने? ये हम नहीं कह सकते, दिन भर चलते हैं। अपने आंखों से देखा होगा लगभग? आंखों से क्या देखेंगे, लोग आते हैं पानी भर के ले जाते हैं सैकड़ों लोग। पीने वाला का तो बात थोड़ी है, तो मुसाफिर है, राह के है, सैकड़ों लोग रोज ले जाते हैं यहाँ से पानी भर के घर में यूज करने के लिए। विपिन मिश्र। ये विपिन मिश्र जी थे जो यहाँ के पुरोहित हैं माँ चंडी स्थान के, और तमाम जानकारी दे रहे थे कि इस पानी को पीने से आपको गैस्ट्रिक नहीं होती है और ये काफ़ी शुद्ध पानी है, मीठा पानी है। और लोग राहगीर यहाँ पर जो है गर्मी के दिनों में आते हैं, अनदिना भी आके अपनी प्यास को बुझाते हैं और घर भी ले जाते हैं। फिलहाल आप यूँ बने रहें, देखते रहें कोशी आलोक। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज, पूर्णिया। श्री बालाजी एजेंसी, NS-31 गुलाबबाग, पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहां फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद, तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NS-31 गुलाबबाग, पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना। TBS का नया शोरूम अब पॉलिटेक्निक चौक पर, गर्ग यूबी TBS पूर्णिया। 35 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में, नए ब्रांच के साथ प्रत्येक TBS की खरीदारी पर पाएं एक निश्चित उपहार। अगर आप TBS गाड़ी के शौकीन हैं और गाड़ी खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, मात्र 4,999 रुपए में डाउन पेमेंट पे ले जाएं TBS की टू व्हीलर गाड़ी। फाइनेंस की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है, तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गर्ग यूबी TBS, नियर इंडियन पेट्रोल पंप, पॉलिटेक्निक चौक, पूर्णिया। कॉन्टेक्ट नंबर 9031780331, सेकेंड नंबर 9472069792।